वेलकम बैक अगेन दोस्तों। पेपर वन की यूनिट टू डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो कि इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा हमारे आरएस मेंस की जो हाल ही में एग्जाम हुई थी उसके जो 21 और 22 मार्च को उसका पेपर डिस्कशन चल रहा है, उसका पेपर वन की अपन यूनिट टू डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो सिलेबस होता है वो इस प्रकार है। पार्ट वन में इंडियन इकोनॉमी व मेजर सेक्टर को क्वेश्चन आते हैं और दूसरे बी पार्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमी जो पार्ट सी के अंदर उसमें राजस्थान की पूछी। इस बार के जो पैटर्न था उसके अंदर लगभग 50% 50 से 60% क्या था राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन, जो कि जो इकोनॉमी रिव्यू आता है राजस्थान का उसमें से क्वेश्चन पुटअप हुए डायरेक्ट, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है राजस्थान जो इकोनॉमी सर्वे। तो इसको आप आने वाली एग्जाम के लिए भी कंटेक्स्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें से आपके मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में कौन से 8 मूल उद्योग जो कि आधारभूत संरचनाओं का सहयोग करते हैं। तो ये कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है और पूरक है और इस्पात है, सीमेंट और विद्युत। प्रमुख संरचनाओं 8 को इनके अंदर बांटा गया है जो कि औद्योगिक उत्पादन व सूचकांक के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत है, 40%। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि 15 वर्ड्स के अंदर अपन को आंसर देने थे। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, दो दो नंबर के। दूसरा क्वेश्चन आया था राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ओनली अपन को ये बताना था कि इसमें तो राजस्थान में किस प्रकार से जो जैव ईंधन उत्पादन होते थे वो किस पदार्थ से ज्यादा उत्पादित होता है। तो इसके अंदर जैसे बायोमास ऊर्जा में सरसों की तोड़ी और जुल्ली फ्लोरा जो कि धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर इन जिलों में अधिकतर पाई जाती है। और बायोमास की अगर बात करें तो ये जैसे गेहूँ और टूटे हुए चावल और सड़े हुए आलू इन इन पदार्थों से भी क्या है, इथेनॉल जो कि बायोमास गैस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। पर राजस्थान में मुख्यतः सरसों की तोड़ी और जुल्ली फ्लोरा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि भारतीय बजट में राजस्व जो के मुख्य मुद्दों को उल्लेख कीजिए। तो इसके अंदर क्या करना था कि जो भी मेजर एक्सपेंडिचर है इंडियन बजट के अंदर उनको बताना था। तो पिछले किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो पिछले ऋणों को चुकाया जाता है और राज्यों में स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान दी जाती है। जो राजस्व का व्यय किस प्रकार किया जाता है, तो दोस्तों देखिए पिछले ऋणों को चुकाने में किया जाता है, राज्य और स्थानीय निकायों को सहायता दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है जैसे खाद्य और किसानों को, और रक्षा और राजस्व व्यय के अंदर और वेतन और पेंशन आदि के अंदर खर्च किया जाता है राजस्व व्यय को। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, ओनली 15 वर्ड्स के अंदर देना था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि प्रतिष्ठा परियोजना के उद्देश्य और उसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो राजस्थान में जो कृषि प्रतिष्ठा योजना चल रही है कि जो विश्व बैंक है उसको सहायता दे रहा है और इसका उद्देश्य और उत्पादन को बढ़ाना है, कृषि में किसानों की आय बढ़ाना है और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है, कृषि में पानी के उपयोग कम करे और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में किसानों को शामिल करना। तो ये प्रमुख रूप से इसके क्या है मेजर इफेक्ट थे जो कि विश्व बैंक द्वारा संचालित ये योजना है। अगला है सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो सतत विकास को ब्रुटलैंड आयोग की अपनी रिपोर्ट में ओवर कमन द फ्यूचर 1987 के अंदर लाया गया और इसका प्रमुख क्या था, सतत विकास जो कि विकास को जो अपनी जरूरतों के बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता हो, यानी जो भविष्य वर्तमान के जरूरतों को पूरा करता हो और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भावी पीढ़ियों के लिए भी ये जो संसाधन है उनका उपयोग करना, इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इस प्रकार से उपयोग करना इसका प्रमुख परिभाषित करना था। जो कि 17 सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको डिस्कस नहीं करना था, ओनली उसकी डेफिनेशन देनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 5 क्वेश्चन के बाद अगला पार्ट बी था जिसके अंदर 50 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं ठीक, और प्रत्येक अंक कितना का होता है, 5 अंक निर्धारित किए गए थे प्रत्येक के अंदर। तो भारत पहला क्वेश्चन था छठवा, जो कि भारत में निवेश प्रोत्साहन व वार्षिक बिक्री के आधार पर जो कि सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग को परिभाषित कीजिए। ये दोस्तों एमएसएमई से क्वेश्चन आया था एक, जो कि किस प्रकार था, इसमें पूछा था कि जो निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए, तो वे उद्योग जिनके अंदर काम करने वालों की संख्या एक सीमा तक से कम होती है, उनका वार्षिक उत्पादन एक सीमा के अंदर ही रहता है, किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपन को इसको जो इकोनॉमी रिव्यू के अंदर दिया हुआ था वहां से मैंने पुटअप किया है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर देखिए निवेश अगर 1 करोड़ का कर रहे हैं तो टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए, 10 लाख का करोड़, 10 करोड़ का अगर निवेश कर रहे हैं तो 50 करोड़ का निवेश टर्नओवर होना चाहिए, और 50 का कर रहे हैं तो 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो ये सीधे से आपको 5 से इंटू करना था, ये ऊपर वाली डेफिनेशन आपको याद करके, क्योंकि ये राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे के अंदर भी, अगर आप जो दोस्तों अगर 2021-22 का जो इकोनॉमी रिव्यू देखना चाहते तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, कल पूरा डिटेल से बताया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। राजस्थान की समर्थ योजना के बारे में उद्देश्य बताइए, तो ये राजस्थान की जो समर्थ योजना है उसके बारे में बताना था कि जो विभिन्न योजनाओं को समन्वय करके इस योजना का संचालित किया गया, जैसे कौशल और आत्मनिर्भर इस योजना का उद्देश्य राज्य की निर्धन जो निर्धन व्यक्ति है पर मौजूद सामुदायिक भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों में और निवासियों में कच्ची बस्तियों में निवासी और दलितों और आदिवासियों में नारी निकेतन व बाल गृह निवासियों कारागार बंदियों को रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि समर्थ करना, जैसे इन सभी मेजर जो भी ये दिए गए है, कारागार बंदियों को, बाल गृह निवासियों को, दलितों को जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनको, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त है उनको, आयु सीमा इसमें निर्धारित की है 15 से 50 वर्ष, और वित्त पोषित यह 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित की जा रही है। ये समर्थ योजना के बारे में बताना था। अगला है दोस्तों, देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आंशिक रूप से मिला है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आंसर दिए हुए हैं आप जरूर कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से आप इसमें और बेहतर जवाब दे सकते थे। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो प्रोत्साहन योजना है इसमें जो नियुक्ता है उनको क्या लाभ दे रही है सरकार, उनके बारे में बताना था। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत नियोक्ताओं को अगले 3 वर्षों के लिए बनाए रखने के लिए रोजगार के लिए सरकार को 8.33% के लिए ईपीएस योगदान प्रदान किया जाएगा। तो यह उन श्रमिकों के लिए लक्षित है जो प्रति माह 15,000 रुपये या उससे कम मजदूरी कम पा रहे हैं, और इस योजना का नए रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने के लिए आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को एक नए रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि दोस्तों एक तो श्रमिक होता है, एक नियोक्ता होता है, उनकी जो नियोक्ता को जो नियुक्त करता है कर्मचारियों को, उनको जो सरकार के द्वारा लाभ दिए जाने थे के अंदर उनको डिफाइन करना था, और यह प्रोत्साहन सरकार नियोक्ताओं को ईपीएफ तथा ईपीएस नामक जो कि भुगतान करके किया जाएगा, और ये चली कब थी, 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हुई थी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, जो कि राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की जो मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में बताना था। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जैसे तीव्र व स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था, और विनिर्माण व सेवा
क्षेत्रों में उद्योग नवीन निवेश है तो 7 वर्षों के लिए ली 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण है, और विद्युत कर और स्टाम्प ड्यूटी मंडी शुल्क में 100% की छूट, 7 साल के लिए कर्मचारियों का राज्य बीमा की, पीएफ और नियोक्ताओं को योगदान में 50% की प्रतिपूर्ति के रूप में इसका प्रमुख सृजन शिप्स। तो ये प्रमुख रूप से दोस्तों राजस्थान की जो प्रोत्साहन योजना थी के बारे में बताना था कि सात वर्षों के लिए उसको कोई भी जो जीएसटी है और जो विद्युत कर है और जो स्टाम्प ड्यूटी है वो नहीं देना पड़ेगा, और 7 साल के लिए कर्मचारियों के लिए 50% राज्य सरकार देगी और 50% जो कंपनी है वो तो पीएफ के रूप जमा करेगी। 10वां क्वेश्चन था, विश्व बैंक के समूह में जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 व 25 में किन्हीं 5 लक्ष्यों को, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो आसानी से लिख सकते थे, क्योंकि ये चर्चा में भी काफी था। तो इसका प्रमुख लक्ष्य थे 5 लक्ष्यों को बताना था, मजबूत और समावेशी विकास का प्राप्त करना था। पहला इसमें प्रमुख रूप से क्या था, जैसे गरीबी और कमजोर आबादी के लिए अवसर प्रदान करना, और दूसरा यह मानता है कि गरीबी व असमानता और स्थिरता की चुनौती आपस में जुड़ी हुई है, तीसरा फंडिंग में तेजी लाने का लक्ष्य रखा गया, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विभिन्न देशों द्वारा, पांचवा संबंधित देशों के कार्यक्रम, जो भी अलग अलग देशों में कार्यक्रम चल रहे हैं उनका समन्वय करके विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन के रूप में वो परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दो को पार्ट सी है, जो कि 100 वर्ड के अंदर देना था और 10 अंक निर्धारित किए थे, और इसमें ओनली 3 क्वेश्चन थे जो कि 10-10 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत में आत्मनिर्भर और भारत अभियान के अंतर्गत उद्योगों एंड जो आधारभूत संरचना है उससे संबंधित प्रमुख उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, जो आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है उसके अंदर आप उपाय सुझा सकते हैं। 12 मई 2020 को यह राष्ट्र के नाम पर संबोधन पर 20 लाख करोड़ रुपए की यह सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित 10% था इसके अंदर, जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। दोस्तों ये योजना कब, कोरोना काल से पहले की यह योजना है, जिसका उद्देश्य यह है आत्मनिर्भर भारत और एक स्वनिर्भर विश्वसनीय भारत का निर्माण करना। पैकेज में कुटीर उद्योग, छोटे मध्यम स्तरीय उद्योग, मजदूरी व मध्यम वर्ग उद्योगों सहित सभी वर्गों को जरूरत को शामिल किया गया। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है जो कि इस प्रकार है, अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि वृद्धिशील एवं परिवर्तनशील के बजाय क्वांटम उछाल लाती हो, अवसंरचना आधार आधुनिक भारत की पहचान बना बुनियाद ढांचा। नेक्स्ट है अवसंरचना जो कि आधुनिक भारत की पहचान है बुनियाद बना ढांचा, प्रणाली और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित 21वीं सदी के सपनों को पूरा करने वाली एक प्रणाली है जो कि पिछली नीति पर आधारित नहीं है, युवा आबादी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ताकत, हमारे जीवंत और जोश से भरी जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य, शक्ति और मांग अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति श्रृंखला चक्र की ताकत जिसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने की जरूरत है, ये प्रमुख उद्देश्य थे दोस्तों। और जो सुधार इस क्वेश्चन के अनुसार अपन को बताने थे कि किस प्रकार से क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि कारोबारियों को एमएसएमई द्वारा बैंक व गैर कंपनी द्वारा 29 फरवरी 2020 तक ली गई सभी शाखा को 20% आपातकालीन ऋण सीमा, 25 करोड़ रुपए तक का उधार लेने वाले ऋण धारकों को 100 करोड़ का टर्नओवर करने का वाला पात्र, मूल कर्ज अदायगी पर 12 महीने की ऋण स्थगन प्रस्ताव के साथ 4 साल की अवधि तक ऋण ब्याज की सीमा निर्धारित है, बैंक और गैर बैंकिंग अपनी मूलधन और ब्याज 100% ऋण गारंटी सुरक्षा कवर करना, और योजना का लाभ लेने की अवधि 21 अक्टूबर 2020 तक रखी गई थी, और इसके अंदर सूक्ष्म जो मध्यम और लघु उद्योग है उनके अंदर 3 लाख करोड़ रुपए तक की जो गारंटी बिना गारंटी के शुल्क
3 लाख करोड़ रुपए, कोई गारंटी शुल्क नहीं, कोई नया कॉल कल्ट्रेट नहीं, 12 महीने के स्थगन के प्रस्ताव के साथ एसएमई को क्लेरेट की फ्री ऋण देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और तनावग्रस्त सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को 20 करोड़, जो कि 20,000 करोड़ रुपए की अधीनस्थ ऋण इसका प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप अगर कमेंट करके में बता सकते हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इसका आंशिक रूप से मुझे आंसर मिला है। अगला क्वेश्चन था 12 नंबर का, राजस्थान में जो महिला सशक्तिकरण है उसके मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन करना है। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, ये 2009-2010 में, क्योंकि पुराना कार्यक्रम है मगर ये चर्चा के अंदर अक्सर बना रहता है क्योंकि इसको फंडिंग होती रहती है। इसका उद्देश्य महिला को सर्वांगीण विकास एवं स्वास्थ्य विभाग में महिला एवं बाल विकास की शिक्षा विभाग और गृह विभाग आदि संयुक्त ये लागू किया गया, क्योंकि इसमें 4 विभाग है दोस्तों। कौन कौन सा है, महिला, जैसे महिलाओं का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग और गृह विभाग, इनके संयुक्त प्रयासों से ये कार्यक्रम चलता है। कार्यक्रम किन किन जो मुद्दों पर केंद्रित है, 7 सूत्री, तो सेफ मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व है, रिड्यूस IMR जो कि मृत्यु दर जन्म दर को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और बाल विवाह के रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक की लड़कियों का प्रतिधारण करना, और महिलाओं को सुरक्षित एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह व कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को प्रदान करना। तो अगर आपको नहीं आता था तो आप इसके अंदर जैसे कि महिलाओं को विभिन्न जो योजनाएं चला रही है उस प्रकार से आप इसका आंसर भी दे सकते थे, तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाते, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पूछा था कि आपको 7 सूत्री जो कार्यक्रम है उसके जो 7 सूत्र है उनके बारे में बताना था। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफी संभावना है, इसलिए हाल ही के दिनों के अंदर जैसे पेपर पहले हुआ था कि जो मार्च के अंदर न्यूज आया कि राजस्थान 1st नंबर पर आ चुका है 10 गीगावाट के साथ, और ये RS मेंस में भी पूछा गया कि 2019 के भीतर प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताइए, तो उसके प्रमुख उद्देश्य किस प्रकार है। देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में 142 गीगावाट, राज्य सरकार ने 2024 और 25 तक 30 गीगावाट संताप महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, यानी टोटल जो 142 गीगावाट का क्या है क्षमता है, और जिसमें से 30 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है, 2024 और 25 तक। ये न्यू पॉलिसी आई थी अचीव इट सोलर एनर्जी 2019 में आई थी, इसका जो प्रमुख विजन था क्या था, हितधारक व संचालित नीति के साथ राज्य में सौर ऊर्जा का विकास करना, और क्या था इसके अंदर जो क्षमता है राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख योगदान देने वाला राज्य होना, और 100 गीगावाट तक की इसमें क्या है पर पॉलिसी के अंदर जो ऊर्जा विकसित करना है। तो ये किस प्रकार से 30 गीगावाट निर्धारित की गई है, तो यूटिलिटी ग्रिड स्केल सोलर पार्क के अंदर जो 2400 मेगावाट यानी 24,000 मेगावाट, और डिस्ट्रीब्यूटर जनरेटर जो कि 4,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप जो कि 1,001 वाट, और सोलर पंप 1,000 मेगावाट। इस प्रकार से 30 गीगावाट जो 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करना है। मेगावाट की बात करें तो 30,000 के अंदर आप इसको कर सकते हैं, और क्या क्या लक्ष्य था इसका, देखिए 100 गीगावाट की क्षमता राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के एक प्रमुख योगदान देने वाला राज्य होना, और हितधारक संचालित नीति के साथ राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना, पारंपरिक व नवीकरण शक्ति में इष्टतम ऊर्जा का मिश्रण को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि जो पारंपरिक है जो कोयला उसको भी बढ़ाना, कोयले से जो बिजली बनती है और जो नवीनीकरण ऊर्जा दोनों को एक साथ बढ़ाना, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भंडारण में नई तकनीकों को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को अधिक लागत व प्रति
प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कार्य करना, नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन में उपाषण व वितरण और विनिर्माण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए, नवीकरण ऊर्जाओं के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्थित करने का इसका प्रमुख। तो ये था दोस्तों 2019 में सौर ऊर्जा की नई नीति आई थी, उसके अंदर ये प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।